दोस्तों आईपीएल 2024 के एडिशन से जस्ट पहले यहाँ पर एमएस धोनी ने कैप्टनसी छोड़कर गायकवाड़ को अब चेन्नई का नया कप्तान बनाया, और नया कप्तान बनाए जाने के बाद गायकवाड़ का अब बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया, शॉकिंग स्टेटमेंट निकल कर आया। आपको इस वीडियो में उनके स्टेटमेंट के बारे में बताया जाएगा, उनकी यहाँ पर जो उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट दिया वो बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो आईपीएल से जस्ट 24 घंटे पहले यहाँ पर चेन्नई ने ये अनाउंस कर दिया है, स्पेशली एमएस धोनी ने यहाँ पर खुद कैप्टन से स्टेप डाउन करके गायकवाड़ को कप्तान बनाया। और गायकवाड़ ने अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया वहां पर गायकवाड़ ने कहा कि उनके लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उनको एमएस धोनी ने अपने रूम में बुलाया था, जस्ट आधे घंटे पहले अपने रूम में बुलाया था, और एमएस धोनी ने उनको कहा है कि वो इस आईपीएल एडिशन में कैप्टनसी नहीं करेंगे, और गायकवाड़ को यानी उन्हें वो कैप्टनसी देंगे, उन्हें गायकवाड़ में कैप्टनसी स्किल्स लगी, इस वजह से वो गायकवाड़ को अब चेन्नई का नेतृत्व देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एमएस धोनी ने यह भी कहा कि अगले साल शायद ही आईपीएल खेले, तो इस वजह से वो गायकवाड़ को चेन्नई का पहला रिटेंशन अगले मेगा ऑक्शन में रखना चाहते हैं। इस वजह से वो अभी से ही गायकवाड़ को यहाँ पर कप्तान बना कर अपना आखिरी सीजन में या फिर एक तरीके से अपने साथ यहाँ पर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो एक तरीके से एमएस धोनी की गाइडेंस में ही गायकवाड़ कप्तानी करेंगे, एक तरीके से विकेट कीपिंग के पीछे से एमएस धोनी ही कप्तानी करते हुए दिखेंगे, गायकवाड़ को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि अचानक से आपको एमएस धोनी का और चेन्नई का ये सही फैसला सही डिसीजन लगा या फिर नहीं।